आज समझते हैं जनसंख्या नियंत्रण में लाए जाने वाले विभिन्न उपाय, मतलब ऐसा क्या क्या उपाय है जिससे हम जनसंख्या को रोक सकते हैं, जिस उपाय को अपना करके जनसंख्या को रोका जा सकता है। तो देखो, जनसंख्या बढ़ने का मेन कारण होता है सामाजिक जागरूकता। अगर किसी के प्रति सामाजिक, मतलब किसी को सामाजिक जागरूकता नहीं है, तो उसको तुम कुछ कर दो, जनसंख्या नियंत्रण नहीं कर सकता। 3, 4, 10, 8, 12 कर ही सकता है। जैसे याद करो कि उसमें हम बताए थे उसका किसका, मुमताज महल के बारे में, उसका 14 गो बच्चा था, जिसमें 14वां बच्चा को जन्म लेते समय वो डेट कर गए थे। उसको कारण भी था कि उसके अंदर का रिलैक्सिंग हार्मोन क्या हो गया था, कम गया था। तो यहाँ पास देखोगे ना, तो इसमें विभिन्न तरह के क्या होता है, उपाय होता है। इसमें हम लोग आज 5 विधि को पढ़ेंगे, ठीक है। और इस 5 विधि में पहला प्राकृतिक विधि, यांत्रिक विधि, रासायनिक विधि, सर्जिकल विधि और सामाजिक विधि। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्राकृतिक विधि क्या होता है। तो प्राकृतिक विधि की तुम बात करो, तो प्राकृतिक विधि में होता क्या है कि इस विधि में किसी भी रासायनिक चीज़ों का उपयोग नहीं किया जाता है, किसी भी रासायनिक चीज़ों का उपयोग नहीं किया जाता है। और इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक विधि। मतलब प्राकृतिक रूप से अंडाणु और शुक्राणु को मिलने से रोक दिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक विधि। तो ये तबे हो सकता है जब, सुनो बट काहे तो लोग हल्ला में लगा। प्राकृतिक विधि की बात करें तो ये प्राकृतिक विधि में क्या हम बताएं कि इसमें किसी भी रासायनिक पदार्थ को उपयोग नहीं किया जा सकता है, ना ही इसमें दवा ली जा सकती है, ना ही यांत्रिक विधि मतलब जो मार्केट में अवेलेबल चीज़ें हैं उसको यूज किया जा सकता है, इसमें नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता तो प्राकृतिक विधि बोलते हैं। और प्राकृतिक विधि का मतलब है कि आप इसको बिना किसी तरह के उपयोग किए, मतलब बिना किसी चीज़ को उपयोग किए हुए अंडाणु और शुक्राणु को रोक दीजिए मिलने से। तभी हो सकता है जब, जैसे मान लो कि मेट्रुअल साइकिल का समय है, समझो इसको मेट्रुअल साइकिल, और इस मेट्रुअल साइकिल के दौरान अगर कोई रिलेशन बनाता है, मेट्रुअल साइकिल के दौरान अगर रिलेशन बनाता है, तो उसके ज़्यादा कोशिश मतलब समय रहता है कि वो मतलब फर्टिलाइज कर जाता है। जैसे मान लो कि आज से मेट्रुअल साइकिल का दिन है, तो आज से 14 दिन, सुनो 14 दिन तक अगर कोई संभोग की क्रिया करती है, यानी कि रिलेशन बनाता है, तो उसमें क्या होता है कि ये जो स्पर्म होता है, स्पर्म जो होता है ना, एग से फर्टिलाइज नहीं करता है। क्योंकि याद करो कि जिस समय मेट्रुअल साइकिल होती है, उस समय क्या होता है, एग्स जो है वो बाहर आ जाते हैं, ओवम जो है वो बाहर आ जाता है, एग्स, और वो एग्स बाहर आता है तो वो फिर से उसको निर्माण होने में समय लगता है, मतलब कि बाहर आने में उसको क्या लगता है, समय लगता है। तो इसमें सेफ माना गया है कि अगर जिस दिन है 0 से लेकर के 14 दिन तक अगर कोई रिलेशन बनाता है, मेट्रुअल साइकिल जिस दिन हुआ उसके लेकर के 14 दिन के अंदर अगर कोई रिलेशन बनाता है, तो उसमें गर्भधारण नहीं होता है, मतलब कि वो तुमको स्पर्म और एग्स नहीं मिल पाते हैं, और नहीं मिल पाते हैं तो क्या होता है, जनन की क्रिया नहीं होगी, और जनन की क्रिया नहीं होगी तो इस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक विधि। लेकिन जैसे ही कोई 14 दिन के बाद 15वां दिन से लेकर के 28वां दिन तक के अगर रिलेशन बनाता है, तो उसमें क्या होता है, गर्भधारण की संभावना 90% बढ़ जाती है। 90% चांसेस रहेगा कि अंडाणु और शुक्राणु क्या करेगा, सॉरी अंडाणु और शुक्राणु आपस में फर्टिलाइज करेगा, यानी कि निषेचित होगा, और निषेचित होकर के गर्भधारण करेगा। तो इस विधि से हम लोग क्या करते हैं, जब अपनाते हैं इस विधि को, तो इसे हम लोग प्राकृतिक विधि कहते हैं। मतलब कि सबसे अच्छा है संभोग करने का जो समय है वो क्या है, 0 से 14 दिन तक, 0 से 14 दिन। उसके बाद फिर क्या होता है, यांत्रिक विधियाँ आती है, यांत्रिक विधि। इस विधि में क्या किया जाता है कि यांत्रिक चीज़ों को अपनाया जाता है। यांत्रिक चीज़ों के लिए क्या होता है, जैसे पुरुष है, यांत्रिक चीज़ों में इससे पहले भी बताया हुआ है कि पुरुषों के लिए बहुत सारे चीज़ें अवेलेबल है, पुरुष है तो उसके लिए क्या आ गया, हाँ कंडोम हो गया। अगर महिला है तो महिला के लिए क्या आ जाएगा, कॉपर टी हो गया, लूप हो गया, या स्त्री में लगने वाला एक डायफ्राम होता है, डायफ्राम हो गया,
ये सब चीज़ें क्या होती है, यांत्रिक विधि कहलाते हैं। इस विधि का यूज करके क्या होता है, यांत्रिक गर्भधारण से बचा जा सकता है। तो इन सब चीज़ों का जब उपयोग करते हैं, इस चीज़ों को उपयोग कर कर करके क्या किया जाता है, जो गर्भधारण को रोका जाता है, तो इस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, यांत्रिक विधि। और जबकि मेट्रुअल साइकिल से फर्स्ट 14 डेज अगर रिलेशन बनाया जाए तो उस विधि में क्या होता है, सॉरी उस दौरान क्या होता है, स्पर्म में रिलेशन नहीं बना पाता है किसके साथ, एग्स के साथ, और उस समय भी क्या होता है, मतलब गर्भधारण नहीं हो पाता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक विधि बोलते हैं। उसके बाद फिर क्या आता है, रासायनिक विधि। रासायनिक विधि में क्या किया जाता है कि इसमें गोली वगैरह लिया जाता है। रासायनिक विधि में होता क्या है ना कि उन सब गोलियों को लेकर कर करके जो मार्केट में बहुत सारे नामों से प्रसिद्ध है, उन सबों को लेकर के क्या किया जाता है कि जो स्पर्म होता है वो स्पर्म को मार दिया जाता है। स्पर्म को मारने वाली गोली लिया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है कि जो स्पर्म होते हैं, स्पर्म, इस स्पर्म को मार दिया जाता है, मार दिया जाता है। मतलब सीधा है कि अगर आपने इसका यूज नहीं किया है, या कॉपर टी या लूप या डायफ्राम का यूज नहीं किया है, तो जाहिर सी बात है कि अगर इसका भी यूज नहीं किया है, ये 14 दिन तुम क्रॉस करके क्या कर रहे हो, रिलेशन बना रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि वो क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। तो आपने प्राकृतिक विधि को भी तोड़ दिया, यांत्रिक विधि का नियम भी तोड़ दिया। अब आपके पास क्या बचा है कि दोनों अगर तोड़ दिए हो तो आप क्या कर रहे हैं, मतलब फर्टिलाइज करवा चुके हो, यानी कि निषेचन हो चुकी हो। निषेचन होगी तो जाहिर सी बात है क्या बनेगा, भ्रूण वगैरह तैयार होगा। अब भ्रूण तैयार होगा तो उसको ख़त्म करने के लिए, या उससे पहले जो स्पर्म होता है उसको ख़त्म करने के लिए क्या लिया जाता है, रसायन का प्रयोग किया जाता है, मतलब दवाई का प्रयोग किया जाता है। तो स्पर्म को जो मारने वाला दवाई होता है उसको बोला जाता है, बोलते हैं स्पर्मिसाइड्स, जो क्या करता है कि स्पर्म को मार देता है। या तो फिर इसी में एक चीज़ और है कि चाहे तो स्पर्म को मार दो, या इसमें जो स्त्रियों से निकलने वाला जो एस्ट्रोजन होता है, उस एस्ट्रोजन को ख़त्म कर दो। एस्ट्रोजन के जैसे ही ख़त्म कर दोगे तो क्या होगा, एग्स बनना बंद हो जाएगा। एग्स बनना बंद हो जाएगा तो स्पर्म क्या करेगा, उसे फर्टिलाइज ही नहीं करेगा। तो ऐसे चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक विधि। मतलब इस सीधी समझो कि इंजेक्शन लेकर करके या दवाई खा करके अगर तुम स्पर्म को डिस्ट्रॉय कर देते हो गर्भ के अंदर में, या एग्स को डिस्ट्रॉय कर देते हो गर्भ के अंदर में, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक विधि बोलते हैं। इसमें हम लोग क्या रासायनिक विधि किया बोलते हैं। और इसमें क्या किया जाता है, स्पर्म को मारा जाता है, प्लस जो स्त्री हार्मोन होती है एस्ट्रोजेन, उसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये विधि जो है ना सेफ नहीं माना गया। क्यों नहीं माना गया कि इसमें इसका साइड इफेक्ट होता है। साइड इफेक्ट क्या होता है कि अगर तुमने दवाइयाँ वगैरह यूज कर लिया, तो दवाई अगर यूज कर लिए इस दौरान, तो हो सकता है कि तुम्हारे अंदर में जो बनने वाले एग्स है वो गड़बड़ हो जाए, फिर एग्स बने ही नहीं, या उसको बनने में बहुत ज़्यादा समय लग जाए। तो इस विधि को सुरक्षित नहीं माना जाता है, रासायनिक विधि को सुरक्षित नहीं माना जाता है। सबसे बेस्ट उपाय क्या है, आप प्राकृतिक विधि को अपनाइए, और ना ही तो यांत्रिक विधि को अपनाइए। ये दोनों विधियां जो है एकदम सेफ है, बहुत अच्छा है। और उसके बाद फिर आता है सर्जिकल मेथड मैंने ऑपरेशन, शल्य चिकित्सा। तो शल्य चिकित्सा की अगर बात करो या ऑपरेशन की बात करो, तो इस विधि में क्या होता है कि चाहे तो महिला को नसबंदी कर दिया जाता है, या तो फिर पुरुषों की नसबंदी कर दी जाती है। महिलाओं या पुरुषों की नसबंदी में होता क्या है ना कि अगर महिला है तो महिला के लिए याद करो क्या बनता है, ट्यूब, जो उसको होता है महिला के, जो फिलिपियन ट्यूब बोलते हैं ना, अरे घर वाला जैसे यहाँ पास क्या था कि इस तरह से था, तो इसमें क्या था, अंडाशय, और इससे निकलने वाले ये नली को हम लोग क्या बोलते हैं, फिलिपियन ट्यूब। तो इस दौरान होता क्या है ना कि इस नस को काट दिया जाता है, शल्य चिकित्सा करके क्या किया जाता है, इस नस को काट दिया जाता है, और इधर वाले नस को भी काट दिया जाता है। तो बताओ कि इसको काट दिया जाएगा तो एक से यहाँ से आएगा बाहर, एक से आएगा नहीं, स्पर्म यहाँ जाएगा, बट यहाँ आकर के क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसको यहाँ किसको, स्पर्म को यहाँ अंडाशय से मिलन नहीं होगा। मिलन नहीं होगा तो ये अच्छी तरह से पता है कि स्पर्म का लाइफ मैक्सिमम 20 घंटा हो सकता है, इससे ज़्यादा हो जीवित हो भी नहीं, सॉरी 20 घंटा नहीं, 20 मिनट
क्या है 20 मिनट, 20 मिनट से ज़्यादा वो जीवित हुए नहीं रह सकता है, नहीं रह सकता है। तो याद करो कि यहाँ जैसे ही आएगा 20 मिनट तक इंतजार करेगा, नहीं मिलेगा बेचारा मर जाएगा। तो यहाँ मिलेगा कहाँ से? आपने क्या किया है, इस रास्ता को ही बंद कर दिया, काट दिया है, काट करके हटा दिया, तो यहाँ से नहीं आएगा। तो काट करके जो हटाया जाता है इसको क्या बोला जाता है, स्त्रियों में अगर काट करके हटाया जाता है तो इसको स्त्री नसबंदी बोला जाता है। क्या बोलेंगे इसको? स्त्री नसबंदी, स्त्री नसबंदी। और जो स्त्री नसबंदी होता है, इस स्त्री नसबंदी को बोला जाता है ट्यूबेक्टोमी। इसको क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टोमी। इसको ट्यूबेक्टोमी बोला जाता है। तो यहाँ से एक नंबर के सवाल में आ सकता है कि स्त्री नसबंदी को क्या बोला जाता है, तो ट्यूबेक्टोमी बोला जाता है। यानी जिस विधि के तहत मैंने स्त्रियों की नसबंदी की जाती है, उस नसबंदी को क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टोमी। क्यों? अब इसको समझो कि स्त्रियों में क्या पाया जाता है, फिलोपियन ट्यूब पाया जाता है, ट्यूब। तो ट्यूब में लगा दो एक्टोमी, तो क्या हो जाएगा? ट्यूबेक्टोमी। तो ट्यूबेक्टोमी किसके लिए अपनाया जाता है, किसके लिए? स्त्रियों के लिए। और पुरुषों में ही नसबंदी होती है। पुरुषों में नसबंदी क्या होता है कि अगर पुरुषों की तुम बात करो तो पुरुषों की जो शिश्न होती है इस तरह से, तो इस शिश्न में याद करो कि इसका भी यहाँ जो टेस्टिस होता है, इस टेस्टिस से एक वेन डिफरेंस, वेस डिफरेंस होती है, नस जिसको हम लोग बोलते हैं या शुक्रवाहिका बोलते हैं। तो इस शुक्रवाहिका को क्या कर दिया जाता है? काट दिया जाता है। अच्छी तरह से पता है, कर पहले वाली क्लास में पढ़ाए थे। इसको काट दिया जाता है, काट करके इसको यहाँ से बंद कर दिया जाता है। तो बंद कर दिया जाता है ना, तो इसको क्या बोला जाता है? पुरुष नसबंदी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पुरुष नसबंदी बोलते हैं, बोलेंगे, ठीक है। अब पुरुष नसबंदी जिस तरह से होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्केटोमी। इसको क्या बोलेंगे? वेस्केटोमी। क्योंकि जो पुरुष के जो नस होती है, इस नस का नाम क्या है? वेस डिफरेंट, वेस डिफरेंट। तो इसको में क्या लगाना है? एक्टोमी। तो क्या हो गया? वेस्केटोमी, वेस्केटोमी। तो स्त्री नसबंदी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टोमी। और पुरुष नसबंदी को क्या बोलते हैं? वेस्केटोमी, वेस्केटोमी। तो इसमें हमेशा याद रखना कि पुरुष नसबंदी किसमें अपनाया जा, पुरुष नसबंदी जो होती है उसको क्या बोलते हैं? वेस्केटोमी, यानी पुरुष नसबंदी, पुरुष नसबंदी। और इसको क्या बोलते हैं? स्त्री, स्त्री नसबंदी, नसबंदी, ठीक है। अब एक आखिरी उपाय बचता है कि जब ये सब काम नहीं आए, ये सब काम नहीं आए या ये सब आप काम नहीं करवाना चाहते हैं, तो सबसे बढ़िया है सामाजिक जागरूकता। बहुत अच्छा है सामाजिक जागरूकता। अगर ये चीज़ सबों को अगर पता हो जाए तो आदमी को ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे बेस्ट उपाय है आप 0 से 14 दिन के अंदर कीजिए। तो 14 दिन के बाद कीजिएगा तो आपको फिर टेंशन है, इसमें किसी तरह की कोई इफेक्ट नहीं है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको भी उपयोग करो, इसमें भी किसी तरह की कोई इफेक्ट नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है। मतलब अच्छी तरह से इसको यूज़ किया जा सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सा होता है? ए और ए होता है, ए और ए होता है। इसमें बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, इसका इफेक्ट होता है। इसमें पूरी तरह से एकदम कहानी ख़त्म हो गया। एक बार अगर आप ट्यूबेक्टोमी अपना लिए या वेस्केटोमी अपना लिए तो आप दोबारा फिर बना ही नहीं सकते। दोबारा आप क्या कर सकते हैं, मतलब बच्चों को जन्म दे ही नहीं सकते। उसके लिए फिर आपको क्या करना होगा, इस ट्यूबेक्टोमी को, मतलब ट्यूबेक्टोमी के दौरान जो नसबंदी की जाती है उसको आप नस को खोल करके फिर से आप उसको जोड़िए, जो कि बहुत ही कठिन चीज़ होती है, बहुत खर्चीला होता है। इसीलिए ए और ए स्टेप नहीं माना गया है, सबसे बढ़िया है ये और ये, और उसके बाद फिर सामाजिक जागरूकता। सामाजिक जागरूकता क्या होती है ना, कि आप लोगों को समाज में आसपास जो लोग हैं उसको आप बताइए इसके बारे में कि जो जनसंख्या होती है वो जनसंख्या का साइड इफेक्ट क्या है। ज़्यादा अगर जनसंख्या बूम करेगा तो इसका प्रभाव समाज पर क्या पड़ सकता है, बहुत सारा प्रभाव है ना। जैसे अगर मान लो कि कोई व्यक्ति है, इसका 5 बाल बच्चा है, अगर 5 को अगर इसका बच्चे हैं तो 5 को पढ़ाना लिखाना खिलाना मामूली बात है। अगर एक ही को बच्चा है या 2 ही को है तो बताओ कि दोनों का अच्छी से परवरिश कर सकता है। लेकिन अगर पढ़ाना है, मान लो कि अरे एक चीज़ और भी, तो यहाँ लोग गलत करता है कि साल भर के अंदर, मतलब साल भर के अंतराल में सब होता है। और अगर ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सामाजिक जागरूकता के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, जनसंख्या नियंत्रण कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट अगर देखा जाए तो इन 3-5 में अगर हम कंक्लूजन करें तो इस सबों में सबसे बढ़िया माना गया इसको, इसको और
इसको, और बाकी ये दोनों जो है ना वो थोड़ा सा साइड इफेक्टिव है, साइड इफेक्टिव है, साइड इफेक्टिव कहने का मतलब कि ये थोड़ा सा खतरा देता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका मुख्य पॉइंट ये निकला कि जो पुरुष नसबंदी होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं वेक्टोटोमी कहते हैं, मिस्त्री नसबंदी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ये दोनों के दोनों किसके अंतर्गत आता है, तो सर्जिकल विधि, सर्जिकल मैंने ऑपरेशन, ठीक है। ये ऑपरेशन विधि के द्वारा हम लोग इस तरह से जनसंख्या नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरी बात कि स्पर्म को मार देना या स्पर्मिसाइड का गोलियां लेना या एस्ट्रोजेन को बर्बाद कर देना, इस सब के सब जो अपनाया जाता है, इस विधि को क्या कहते हैं, रासायनिक विधि कहते हैं, ठीक है। और इसके पहले वाली जो बात थी यांत्रिक, ये दोनों तो सेफ मेथड है, अपनाइए इसको, कोई टेंशन नहीं है। बाकी ये भी तो मस्त है चीज़ है, बाकी ये दोनों गड़बड़ चीज़ें होती है। तो इस तरह से हम लोग जनसंख्या नियंत्रण कर सकते हैं, और बाकी ये चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बचा उसको अगले बार लिखा देंगे, ठीक है। राइट।